राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वापसी की अटकलें, कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, दे रहे हैं 2018 का उदाहरण। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, आज होगी पार्टी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी बगावत, कैलाश विजयवर्गीय करेंगे नेताओं संग मंथन, चुनावी रणनीति पर होगी बात। 30 साल में बिहार में विकास न होने वाले प्रशांत किशोर के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा कौन है वो। तेजिंदर बग्गा को राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाएं। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटों में संक्रमण के 3,451 नए केस मिले, एक्टिव केसों का आंकड़ा 20,635 हुआ। हिमाचल विधानसभा के गेट पर लगे खालिस्तान के झंडे, विधानसभा के बाहर मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। आज सुबह 6 बजे खुले बद्री विशाल के कपाट, मंत्रों से गूंजा मंदिर, भव्य आरती में शामिल हुए हजारों भक्त। उड़ीसा में आज आएगा चक्रवात आसानी, वज्रपात के साथ हो रही है बारिश, मछुआरों को जारी किया गया अलर्ट। सुपर संडे को होंगे आईपीएल के 2 मुकाबले, सनराइज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मैच, टेंशन टाइट होगा मुकाबला। आज होगा G7 शिखर सम्मेलन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की लेंगे हिस्सा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। बांग्लादेश सरकार आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम करेगी आयोजित, संसद की अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी होंगी मुख्य अतिथि। यूक्रेन संकट पर अपने पहले बयान में यूएनएससी ने युद्ध शब्द की जगह लिखा विवाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति। आतंकी अल जवायरी ने फिर उगला जहर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर की टिप्पणी, कहा 9/11 के बाद अमेरिका हुआ कमजोर। भारत के सुर से सुर मिला रहा है पाकिस्तान, मिलकर झुटलाया कोरोना से मौत का आंकड़ा, कहा WHO से हुई गड़बड़ी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 14 ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने का ऐलान, मंत्रियों को मिलेगी कन्फर्म सीट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दी सफाई, कहा चालू वित्त वर्ष में बड़ी संख्या में शाखाएं बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं। अब सस्ता हो गया है सरसों और मूंगफली का तेल, सोयाबीन डीगम और पामोलिन के साथ साथ बिनोला तेल कीमतों में हुआ सुधार। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल बनकर तैयार, रेल मंत्री बोले नए भारत का करेंगे निर्माण। तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर, डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।